हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक म्यूजिक प्लेयर के बारे में, ठीक है, जो इस बॉक्स के अंदर है। एंड इस बॉक्स को मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। एंड इस बॉक्स के अंदर म्यूजिक प्लेयर के साथ साथ क्या दिया गया है सारे कुछ देखेंगे। एंड उसको जो म्यूजिक प्लेयर का जो बॉक्स है उसको साउंड क्वालिटी कैसा है, उसका क्या क्या फीचर्स दिया गया है सारे कुछ जानेंगे। अंदर वाला हिस्सा देखने से पहले जो बाहर में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। सो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, इसके जो फोटो दिया गया है, मतलब जो म्यूजिक प्लेयर है उसका ऐसा ही होने वाला है। एंड इसके साथ एक एंटेना दिया गया, मतलब म्यूजिक प्लेयर जो इसके अंदर एफएम रेडियो भी दिया गया है, इसके कनेक्ट करने के लिए एक एंटेना भी दिया गया है, ठीक है। सो एंड इसका जो पीछे वाला हिस्सा देख लेते हैं गाइस, इसका पीछे वही भी फोटो दिया गया है, ठीक है, सेम फोटो कॉपी करके दिया गया है। मतलब कि इसके अंदर फोन भी रखने का थोड़ा जगह भी शायद दिया गया है। सो उसको खोलने के बाद हम सारे कुछ जान जाएंगे। एंड इस साइड में क्या दिया, इस साइड में क्या क्या फीचर्स है इसका सारे कुछ दिया गया है। सो क्या दिया गया, एक जो बीटी मतलब ब्लूटूथ दिया गया है, एंड यूएसबी डिवाइस, मतलब कि आप पेन ड्राइव वगैरह इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ मतलब एसडी कार्ड, जो माइक्रो यूएसबी कार्ड होता है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो एंड इसका बैटरी जो होता है, बैटरी लिथियम बैटरी आप जो चल रहा है, ठीक है। सो एफएम रेडियो भी है, बहुत कुछ सारे है, ठीक है। सो एंड इस साइड में क्या क्या है को दिखाई दे रहा है, मतलब इसका जो फीचर्स क्वालिटी है सारे कुछ इसके लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब बीटी जो ब्लूटूथ का वर्सन कितना है, मतलब 5.0 अभी जो चल रहा है, ठीक है। सो एंड उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस मतलब दिखाई दे रहा है आपको 10 मीटर तक जाएगा, मतलब बहुत ही ठीक ठाक है, ठीक है। एंड इसका प्ले टाइम, मतलब आप 5 से 6 घंटे आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, मतलब कंटिन्यूसली चलाओगी तो 5 से 6 घंटा ये आराम से चल जाएगा, ठीक है। सो एंड इसका जो बैटरी कैपेसिटी 1200 mAh का, ठीक है। एंड इसका चार्जिंग टाइम, चार्ज देने के लिए आपको 3 घंटे में आपको बैटरी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस आप इसको खोलने का टाइम आ गया, एंड इसके खोल लेती हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हो इसके फीचर्स इस वाला हिस्से में, एंड यहाँ दिया गया, ठीक है। सो आप खोल लेते, सो चलो, ओके गाइस, मतलब कि उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इसको साइड में रख देते, एंड इसके अब देख लेते। सो ओके, एक यूज़र मैनुअल शायद कभी किसी ने पढ़ता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, ठीक है। सो मैं भी थोड़ा खोल के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। सो ये है, सो इसको भी रख देते साइड में। वैस ये भी आ गया, मतलब एक चार्जर के आपको जो केबल होता है वो भी दिया गया है, मतलब इसको चार्ज करने के लिए यहाँ वाला, ठीक है। सो यहाँ चार्ज करने के लिए, तो गाइस ये आपका इसके अंदर कोई भी इतने अडाप्टर नहीं दिया गया, मतलब आपको जो चार्जर होता है फ़ोन का उसमें कनेक्ट करके इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सब साइड में, इसमें भी कोई काम नहीं है। अब इसको दिखा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ इसका जो सबसे पहले सो फोन वाला हिस्सा, यहाँ जो स्पीकर लगा हुआ है, एंड यहाँ जो रॉक म्यूजिक नाम का एक नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एंड ऊपर वाला हिस्सा में यहाँ जो एक एंटेना दिया गया, जो मैं बोल रहा था, सो मतलब इसको एफएम कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं। एंड इसके बाद जो 4 बटन दिया गया है, एक जो एफएम कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो इस वाला, ये वाला एफएम कनेक्ट करने के लिए, ये जो वॉल्यूम प्लस माइनस आपको पता है, एंड ये चेंज करने के लिए, ठीक है। सो ठीक है, इसको पीछे क्या दिया गया, एंड यहाँ आपको देख सकते हो यहाँ इस वाला हिस्सा को यूएसबी कनेक्टर, ठीक है, मतलब इसके अंदर आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ एसडी कार्ड, आपका जो छोटो माइक्रो यूएसबी होता है वो इसके अंदर लगा सकते हो। एंड यहाँ जो चार्जर जो यहाँ दिया गया है, जो माइक्रो यूएसबी, ठीक है। सो ये इसके अंदर लगाना पड़ेगा, सो यहाँ ऐसे करके, ठीक है। सो आपको चार्ज में कनेक्ट करना है, इसको जो ऑन ऑफ वाला बटन दिया गया है, ठीक है। सो इसको ऑन ऐसे करके ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ जो दिया गया एक हिस्सा इसको झुलाने के लिए, ठीक है। इसको बहुत ही लाइट वेट है, इसको आप मतलब इसको हाथ में लेकर कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। सो इसको अंदर यहाँ झुला कर ऐसे ले जा सकते हो, ठीक है। सो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है आप चला कर देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब इसको जो साउंड क्वालिटी कैसा होने वाला है, सो उसको चेक करेंगे। चलो देखते हैं, मैं यूट्यूब से एक गाना लिया, ठीक है, जो जुबिन का नया वाला गाना, सो उसको चला कर देखते हैं, ठीक है। सो बेदर्दी से, ठीक है।
सकते हो। अगर आप एक म्यूजिक प्लेयर खरीदना चाहते हो तो गाइस इसको मैं सजेशन करूँगा, आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। ये लगभग 600-650 के आसपास ही आने वाला है। सो अमेजोन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वैसे चाहे तो आप खरीद सकते हो। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके डेफिनेटली बता देना, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप मेरे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। सो